Hello everyone, in this video we will discuss about how to add custom icon to the customized business object. अभी जो हम file new करके जो item create किए तो ये जो आ रहा है यहाँ पे देखो ये ये क्या है default icon है ये जो item है उसका default icon और ये जो revision है ये भी उसका क्या है default icon तो इसको जो है हमको जैसा चाहिए या आपका जो कस्टमर है क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है उसको उसको यहाँ पे किस तरह का लोगो चाहिए लोगो को या आइकॉन को उस आइकॉन को आप जो है आपके तरीके से यहाँ पे कस्टम कर सकते हो तो उसकी एक की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे डॉक्यूमेंट में देखो यहाँ पे है कि क्रिएट आइकॉन्स तो उसमें यूज अ ग्राफिक editing tool to create the primary icon to represent the business object make the icon 16 by 16 pixel in size and give the image transparent background ye iski requirement hai theek hai matlab 16 by 16 pixel in size chahiye to yahan pe dekho abhi maine kya kar diya desktop pe do 16 by 16 ke आइकॉन क्रिएट कर दिए ठीक है अभी कैसा करता है इसका स्टेप कैसा होता है देखो आइकॉन ऐड करने का स्टेप क्या होता है अभी ये देखो आपका ये क्या है डिजाइन आइटम ये क्या है डिजाइन आइटम रिवीजन तो डिजाइन आइटम पे यहाँ पे देखो आइकॉन क्या है यहाँ पे डिफॉल्ट है इसके लिए वो येलो कलर वाला दिखा रहा है इसमें जाएंगे यहाँ पे भी जो है आप मेन में चले जाएंगे तो यहाँ पे भी आइकॉन क्या है डिफॉल्ट बता रहा है ठीक है डिफॉल्ट मतलब क्या ये वाला ये जो दिखा रहा है ना ये डिफॉल्ट है अब क्या करना है देखो डिजाइन आइटम तो पहली बात वो तो कैसा होता है इसको राइट क्लिक करेंगे ना यहाँ पे देखो ऐड बिजनेस ऑब्जेक्ट आइकॉन इसको क्लिक करेंगे और जो है डेस्कटॉप यहाँ से जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो आइकॉन्स बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपको क्या है नेविगेटर में जाना है ठीक है और यहाँ पे जाने के बाद इसके अंदर तो नंबर ऑफ फोल्डर है देखो आइकॉन नाम का भी फोल्डर है इसके अंदर तो इसको राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखो क्या है ऐड बिजनेस ऑब्जेक्ट आइकॉन इसको सिलेक्ट करो जहाँ पे आपने आइकॉन सेव करे वो जितने भी होंगे नंबर ऑफ आपको जिस टाइप का देखना है ना क्या ऐड करके तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ ये जो डिजाइन आइटम है ना इसके ऊपर वो जो आइकॉन है उसको लगा नहीं रहा हूँ जस्ट यहाँ पे जो आइकॉन फोल्डर है इसके अंदर हमने जो भी आइकॉन हमको डालने हैं उसको जस्ट यहाँ ये फोल्डर में डाल रहा हूँ मैं तो इसमें गया राइट क्लिक किया और एड टू बिजनेस ऑब्जेक्ट आइकॉन फिर यहाँ पे ठीक है फिर से बता देता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड बिजनेस ऑब्जेक्ट आइकॉन और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया इसको ले लिया ओपन कर दिया तो ये देखो यहाँ पे आ गई ठीक है इसको ओके कर दो तो ये जो है नेविगेटर इसका जो आइकॉन फोल्डर है ना इसके अंदर वो दोनों लोगो आ गए अब क्या करना है मुझको आइकॉन है ना डिजाइन आइटम पे लगाना है तो इसमें देखो ये मेन में जाना है आपको मेन में है और यहाँ पे बिजनेस ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट इसमें है आप फिर बिजनेस ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट में यहाँ पे फाइंड ओ आइकॉन रहता है देखो फाइंड ओ ये देखो यहाँ पे आ रहा है फाइंड ओ आइकॉन इसको सिलेक्ट करो एडिट कर दो यहाँ पे देखो आइकॉन डिफॉल्ट है एडिट कर देने के बाद ब्राउज में चले जाना है और यहाँ पे जो आइकॉन में नंबर ऑफ आइकॉन रहेगा ना वो हिसाब से वो लिस्ट यहाँ पे आ जाती है तो आपको कौन सा देना है डिजाइन आइटम के लिए कौन सा देना है सपोज पहला वाला देना है उसको सिलेक्ट कर दो और फिनिश कर दो बस देखो यहाँ पे वो दिख रहा है आपको ठीक है जब हम डिप्लॉय करेंगे ना तो डिजाइन आइटम का लोगो इंस्टेड ऑफ दिस ब्लू वो उस तरह से जो है हमने जो दिया है कस्टमाइज वो आएगा सिमिलरली क्या है अगर ये रिवीजन को भी दे सकते हो यहाँ पे इसका जो मेन इसमें है बिजनेस ऑब्जेक्ट कांस्टेंट और इसमें
सेम चीज हो, फाइंड हो आइकॉन, यहाँ पे आएगा, इसको सिलेक्ट करो, एडिट करो, फिर ब्राउज में चले जाओ, ठीक है, ये सेकंड वाला देते, ओके कर दो, फिनिश कर दो। तो यहाँ पे देखो ये आ गया इस तरीके से। तो इसको मैं टेम्पलेट को सेव करता हूँ, और आफ्टर डिप्लॉयमेंट हम जो है डिजाइन आइटम और डिजाइन आइटम रिवीजन का जो लोग है वो, जब हम फाइल न्यू में जाएंगे, यहाँ पे फाइल न्यू में क्रिएट करेंगे आइटम में, तो उस वक्त यहाँ पे किस तरह से चेंज होगा उसको देखेंगे। नाउ वी विल चेक द रिजल्ट्स आफ्टर डिप्लॉयमेंट। सो ये जो डिजाइन आइटम है, ओके, डिजाइन आइटम और उसका जो रिवीजन है, उसका हमने आइकॉन चेंज किया। यहाँ पे पहले डिफॉल्ट था, बट यहाँ पे देखो चेंज हो गया है, और ये जो रिवीजन है उसका भी चेंज हुआ है। तो हम यहाँ पे जाते हैं होम में, फाइल न्यू, ये आइटम, यहाँ पे देखो ये डिजाइन आइटम, देखो यहाँ पे इसका लोगो चेंज हुआ है। नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे नेम देते हैं इसको टेस्ट 6, और व्हीकल टाइप में डालता हूँ SUV, और इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो ये रिवीजन है इसका, इस तरह से ब्लू कलर में आया है गियर, और ये जो डिजाइन आइटम है इसका इस तरीके से आया है। यहाँ पे इसको मैं एक देता हूँ, इसको फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से जो है, ये जो है उसका जो डिजाइन आइटम है उसका ये लेगो जो है कस्टमाइज हो गया, और रिवीजन का इस तरीके से जो है, आप आपके हिसाब से क्लाइंट और कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज करके दे सकते हो।